हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक सिंपल सी रेसिपी, जो है बचे हुए चावल। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं जिन्हें हम किसी भी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या तो फेंक देते हैं। तो आइए हम इनसे एक रेसिपी बनाएंगे। तो बचे हुए चावलों से हम बनाएंगे एक स्वादिष्ट और यमी सी खीर। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। तो बचे हुए चावलों की खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम आधा लीटर तक दूध डालेंगे। आप चावल के अकॉर्डिंग दूध डाल सकते हैं और हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। और जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है, हम अपने चावलों को हल्के हाथों से मैश कर लेते हैं। ये देखिए, हम चावलों को हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। मैश करने से क्या होगा, हमारी खीर गाढ़ी बनेगी। इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे। आप दूध चावल के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे। एक बार आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा, पक्का ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी रेसिपी। चलिए, चावल हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो रहा है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 धागे केसर के। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप इसे डाल भी सकते हैं। दूध हमारा अच्छे से खोल रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बचे हुए चावल जो हमने मैश करके रखे थे। देखिए, अच्छे से मिलाएंगे और 10 से 15 मिनट तक इन्हें पकने के लिए हम छोड़ देंगे। धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट ये पकेंगे। तो चलिए, मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। और हम अपनी खीर को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मिक्स कर देंगे अच्छे से और हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ बादाम का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो हमारी खीर, बचे हुए चावलों की खीर रेडी है। ये आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपका खीर खाने का मन हो। अगर आपके घर में चावल बच गए हैं तो आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, इसे सर्व करते हैं। तो अपनी खीर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, लग रही है ना एकदम क्रीमी सी। और हमने इसमें किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। टाइम की भी बचत और टेस्ट भी बचे। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इंस्टेंट बनने वाली खीर रेसिपी है, जिसमें टाइम की भी बचत और हमारे चावल वेस्ट भी नहीं गए। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।